press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीजनल प्लानिंग बिल के विरोध पर उतरी कांग्रेस, भू माफियाओं को पनपाने के लगाए आरोप। मासूम बच्चे के साथ 12वीं मंजिल से कूदे दंपति, कर्ज का बोझ बना मौत की वजह। उत्साह के साथ मनाई होलिका दहन की परंपरा, वहीं शुक्रवार को धुलंडी का मचेगा धमाल। होली पर बेशर्मी से दिल्ली हुई शर्मसार, छात्राओं पर फेंके सीमन भरे गुब्बारे, विरोध में पुलिस मुख्यालय का किया घेराव। राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के स्थान पर रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल लाए जाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का आरोप है कि इससे भू माफियाओं को बढ़ावा मिलेगा। पायलट के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मास्टर प्लान के खिलाफ जाकर हुए निर्माणों का नियमन किया गया है। इस पर न्यायालय ने कठोर आपत्ति व्यक्त की है और अनेकों बार ऐसे भू उपयोग परिवर्तन को पूरी तरह से गलत करार दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा 35 बिंदुओं के आधार पर अतिक्रमणों के नियमन और भू रूपांतरण पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इसका तोड़ निकालने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है। इससे अनियोजित विकास को गति मिलेगी और भू उपयोग परिवर्तन भी आसानी से किया जा सकेगा। पायलट का आरोप है कि सरकार शहरी नियोजन के साथ खुला खिलवाड़ कर भू माफियाओं की बाधाएं खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को हट धर्मिता छोड़कर मास्टर प्लान की अनुपालना करनी चाहिए और नए बिल को लाने का विचार छोड़ देना चाहिए। गुजरात में सूरत शहर के 35 साल के गारमेंट व्यवसायी ने पत्नी और 4 साल के बच्चे के साथ 12वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुसाइड की वजह कर्ज और ब्याज के बोझ को बताया गया है। व्यवसायी विजय ने अपनी पत्नी रेखा बेन और बच्चे वीर के साथ योगी चौक इलाके में मैजेस्टिक हाइट्स अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मृतक दंपति 1 महीने पहले ही 1.25 करोड़ के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। व्यवसायी विजय अपनी पत्नी रेखा बेन और 4 साल के बेटे वीर के साथ अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां करीब 4 फीट की दीवार थी, उसे फांदने के लिए विजय नीचे से ही कुर्सी लेकर गए थे। 12वीं मंजिल पर जाने के बाद उन्होंने पहले बेटे को अपनी टांगों के बीच फंसाया और फिर पत्नी रेखा बेन के साथ नीचे कूद गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पैंट की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस सुसाइड नोट में कई फाइनेंसरों के नाम हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर के वाशिंदे होली की खुशियों में सराबोर हैं और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर आज होली का दहन किया गया। वहीं शुक्रवार को हर तरफ धुलंडी की धूम दिखाई देगी। शुभ मुहूर्त के अनुसार लोगों ने आज शाम होली का दहन किया। इसके लिए अलवर में कई बस्तियों और चौराहों पर होलिका सजाई गई थी। यहां विशेष पूजन के बाद अग्नि प्रज्वलित की गई। शुक्रवार को सभी और रंगों के पर्व धुलंडी की खुशियां नजर आएंगी। लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर धुलंडी मनाएंगे। इसके चलते आज शहर में रंग और पिचकारियों की खरीद जोरों पर रही। वहीं शनिवार को बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए भाई दूज मनाएंगी। होली के मौके पर गुब्बारों में सीमन भरकर लड़कियों को मारने की घटना ने राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। इस घटना को लेकर गुरुवार को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भारी संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ साथ कई कॉलेजों के टीचर भी शामिल थे। ड्यू से जुड़े जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राओं ने इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लिए इन लड़कियों की मांग है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करे और आरोपियों को सजा दे।
ऐसे ही एक और घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में घटी है, जब डीयू की एक छात्रा पर बस में सफर करने के दौरान सीमन से भरे गुब्बारे फेंके गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों में लड़कियों पर सीमन से भरे गुब्बारे फेंकने के दो मामले सामने आ चुके हैं। अमर कॉलोनी जैसे पौश इलाके में ऐसी घटना सामने आई, जहां लेडी श्रीराम कॉलेज की एक लड़की पर मन चलो ने सीमन से भरा गुब्बारा दे मारा। नॉर्थ ईस्ट की इस पीड़िता ने इस घटना को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसके बाद इसी इलाके में ही बस में सफर करने के दौरान डीयू की एक और छात्रा पर सीमन से भरे गुब्बारे फेंके गए। हैरानी की बात यह है कि दूसरे मामले में छात्राओं पर ये गुब्बारा एक लड़की ने फेंका था। लड़की के परिवार वालों ने छात्राओं से लिखित तौर पर माफी मांगी है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बाद हरकत में आई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा हरिया गैंग का सफाया करने से व्यापारी और आमजन खुश हैं। निमराना इंडस्ट्रीज और निमराना व्यापार मंडल द्वारा एक समारोह में पुलिस कर्मियों और अफसरों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में अलवर पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश, एडिशनल एसपी हिमांशु भिवाड़ी, एएसपी सिद्धांत बहरोड़, डीएसपी जनेश सिंह तंवर और बहरोड़ थाना प्रभारी महावीर सिंह और निमराना थाना प्रभारी हितेश शर्मा सहित जवानों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में उस महिला और व्यापारी का भी सम्मान हुआ जिसने बदमाश हरिया से संघर्ष कर उसकी पिस्टल छीन ली थी। एसपी ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से ही यह सब संभव हो पाया। उनका कहना था कि आज के जमाने में अपराधी खासे हाईटेक हो चुके हैं, लेकिन अगर जनता पुलिस पर विश्वास करे तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। होली के मौके पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर गुरुवार को 47 रुपए और सब्सिडी वाला 2 रुपए 52 पैसे सस्ता हो गया है। वहीं विमान ईंधन के दाम तकरीबन 1% बढ़ गए हैं। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाला 14.2 किलोग्राम का बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 1 मार्च से 689 रुपए का मिलेगा। पहले इसकी कीमत 736 रुपए थी। घरेलू इस्तेमाल का सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर आज से 495.63 रुपए की जगह 493.09 रुपए का मिलेगा। वहीं वाणिज्यिक इस्तेमाल वाला 19 किलोग्राम का सिलेंडर भी 78.50 रुपए सस्ता हुआ। इसकी कीमत 1,308 रुपए से घटकर 1,230 रुपए की गई है। गौरतलब है कि नवंबर 2017 के बाद पहली बार रसोई गैस की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया गया है। हालांकि ज्यादातर उपभोक्ता 14.2 किलोग्राम का सब्सिडी वाला सिलेंडर लेते हैं और इसी श्रेणी की दरों में सबसे कम कटौती की गई है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जयपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर खुद के पेट में चाकू घोंप लिया। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने दोनों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। यह मामला जयपुर के मानसरोवर स्थित शिप्रापथ का है। यहां करीब 13 साल से एक दंपति साथ रहते थे। इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद रहता था। गुरुवार को आपसी बहस के दौरान पति ने अपना आपा खो दिया और पत्नी पर गोली चला दी। इसके बाद खुद के पेट में भी चाकू मार लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस फिलहाल घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। वहीं पति पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के कारणों का खुलासा दोनों के होश में आने के बाद ही हो पाएगा। राजस्थान उपचुनाव में हार का गम अभी बीजेपी भूली भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। यहां 15 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणामों से झटका लगा है। पुरजोर कोशिशों के बावजूद भाजपा के हाथों से ये दोनों सीटें निकल गई। यहां मुकाबला शिवराज सरकार बनाम कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हो गया था। चुनाव नतीजों से यह संकेत मिल रहा है कि राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए पहले जैसा माहौल नहीं रहा। वहीं चुनाव परिणाम जनता के रुख में बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं।
राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवपुरी के कोलारस और अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे थे। सत्ताधारी पार्टी और सरकार ने चुनाव जीतने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं कांग्रेस की कमान युवा सांसद सिंधिया के हाथों में थी। पिछले दिनों मंदसौर में किसानों पर गोली चलने की घटना के बाद से यहां जगह जगह किसान आंदोलन और कर्मचारी वर्गों के आंदोलन चल रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी और जीएसटी लागू करने को लेकर लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। कुल मिलाकर चाहे वह राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, उपचुनाव के हालिया परिणाम यह बताते हैं कि यह वक्त भाजपा के लिए आत्ममंथन का है। यह साफ है कि यहां सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। राजस्थान के अलवर और अजमेर लोकसभा एवं मांडलगढ़ विधानसभा में करारी हार ने यही दर्शाया था। देखना है कि आने वाले समय में भाजपा किस तरह डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच संचालित हो रही थार लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी गतिविधियों की आशंका जताई गई है। इसके चलते सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। यहां तक कि अब भगत की कोठी रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर थार लिंक एक्सप्रेस ट्रेन लोहे की जाली से ढककर खड़ी की जाएगी। उधर पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के पासपोर्ट और वीजा की जांच अब मुनाबाव रेलवे स्टेशन के बजाय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर पश्चिम रेलवे, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की रणनीति बनाई है। जोधपुर स्थित जीआरपी के एसपी कार्यालय में इसके लिए समन्वय बैठक भी की गई। थार एक्सप्रेस ट्रेन की सुरक्षा के लिए रेलवे यार्ड और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर सघन जांच की जाएगी। सभी अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन भगत की कोठी के प्लेटफॉर्म संख्या 1 को लोहे की जाली से पूरी कवर करने की आवश्यकता बताई। इसी प्लेटफॉर्म पर थार लिंक एक्सप्रेस खड़ी रहती है। वहीं थार एक्सप्रेस ट्रेन से पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को टिकट भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, जबकि पासपोर्ट और वीजा की जांच मुनाबाव में होती है। दस्तावेजों में कमी मिलती है तो यात्री को मुनाबाव से वापस जोधपुर लाया जाता है। इसके समाधान के लिए पाक जाने वाले यात्रियों के पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेजों की जाँच भगत की कोठी स्टेशन पर ही की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। रीजनल प्लानिंग बिल के विरोध पर उतरी कांग्रेस, भू माफियाओं को पनपाने के लगाए आरोप। मासूम बच्चे के साथ 12वीं मंजिल से कूदे दंपति, कर्ज का बोझ बना मौत की वजह। उत्साह के साथ मनाई होलिका दहन की परंपरा, वहीं शुक्रवार को धुलंडी का मचेगा धमाल। होली पर बेशर्मी से दिल्ली हुई शर्मसार, छात्राओं पर फेंके सीमन भरे गुब्बारे, विरोध में पुलिस मुख्यालय का किया घेराव। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत।